एक लड़के ने पूछा कि यार जिनके कार्यालय में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फोटो लगे, जो उनके अनुयायी है, वो ईडी पकड़ के ले जा रही उनको। मैं हाँ, अरे बोले सजा होगी क्या? मैंने कहा होगी। कितनी होगी? मैंने तू बता तेरे अंदाज से। बोले जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के अनुयायी हैं तो फिर फांसी से कम में थोड़ी मारेंगे। गौरी जी जब पढ़ रही थी तो ऐसे लग रहा था बांसुरी बज रही है, अब अशोक नागर को जब बुलाएंगे तो ऐसे लगेगा बांसड़ा बजने वाला है। गौरी जब गा रही थी क्या बढ़िया, मतलब अद्भुत ही सुर है। और अशोक जी ऐसे ऐसे पंडित आदमी है, अद्भुत ही कवि है। एकदम से एक मोहल्ले में, इनके मोहल्ले में गंजा मिल गया मुझे। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारी एकदम सफाचट कैसे होगा? बोले इन पंडितों का प्रताप है। मैंने कहा इनकी क्या गलती है? अरे बोले इनके इतने गोत्र होते हैं मेरे मोहल्ले में, तो पंडितों ने ये नियम कर दिया कि जो भी आएगा मेरे से मिलने पहले अपना गोत्र बताएगा और मेरा बाल उखाड़ेगा। तो एक आदमी गया, उसने सवेरे उस आदमी के पास गया, उसने हाथ डाला, बाल उखाड़ा, चटाक से आवाज हुई, बोले मैं बेदी। दूसरे दिन दूसरा गया, उसने दो बाल उखाड़े, बोले मैं द्विवेदी। तीसरे दिन एक और गया, तीन उखाड़ लिए, मैं त्रिवेदी। चौथे दिन एक और गया, चार उखाड़ लिए, बोले मैं चतुर्वेदी। पांचवे दिन एक और गया, उसने पांच उखाड़ लिए, बोले मैं पांडे। छठवें दिन एक गया, उसने कहा कुछ नहीं, जेब में हाथ डाला, माचिस जलाई, सर पे रखा, बोला मैं अग्निहोत्री। तो शुद्ध ब्राह्मण आदमी। अब एक डेढ़ घंटे तक आपको, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन से विमान की सवारी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं शाजापुर से, मध्य प्रदेश से हमारे बीच में बहुत ही धुआंधार जानदार कवि अशोक नागर जी आए हैं, बहुत जोरदार तालियां बजाकर अशोक भाई को आमंत्रित करिए। बहुत बहुत बताओ, कह रहे हैं कि बांसुरी के बाद बांसड़ा आया, ऐसा लगेगा ये सम्मान मिला। अब इसको ये पता नहीं है कि बांसड़े से भी दो चार दस बांसुरी तो बन सकती है। भाई क्या बात, ये है नागर भाई, क्या बात है अशोक भाई। बहुत बढ़िया, आदरणीय दादा विष्णु पुरोहित जी, त्रिपाठी जी, रमाशंकर शर्मा जी और तमाम जनता जनार्दन, माताएं बहने बुजुर्ग बच्चे सबको प्रणाम करता हूँ। जो चले गए उनको भी प्रणाम करता हूँ। कल वो टेंशन में रहेंगे किसके बाद क्या हुआ था। गुलाबी नोट, बहुत अच्छी बात कही। मुझे आज पता चला कि 2000 के नोट रिजर्व बैंक ने छापना क्यों बंद करे, क्योंकि गुलाबी नोट से भी ज्यादा जब गुलाबी गाल होने लगे तो नोट की इज्जत कम हो रही थी। ताली आपकी आ नहीं रही है, ताली नहीं बजाओ तो सादा ही कर लेंगे, बिना ताली का भी होता है। जितेंद्र जी को गौरी ने दो बात कह दी बेचारे को, इसको पता नहीं है कई कुंवारे बैठे थे, कई रस रंगीले बैठे थे, जो खुद जितेंद्र ही है, जितेंद्र को छेड़ रही है। जितेंद्र जी तो वैसे ही सब परेशान है, जितेंद्र जी का कलर ही ऐसा है बेचारे का कि होली के दिन एक बार तो लोग पूछने जाते हैं होली खेल लिए कभी खेलोगे, दूसरी बार रंग लेके जाते हैं। जंगल में खड़े हो जाए अगर हमारे त्रिपाठी जी तो गिलेरी बबुल पे से उतर के इन पे ही चढ़ती है, तो ये भ्रम रहता है कि किधर भी है क्या। रेन तो ताली इतनी दूर से आने के बाद, इतने कवियों को पढ़ाने के बाद, इतने आखिर में इस उम्र में कविता पढ़ना और टूटी चप्पल पहन के हिमालय पे चढ़ना, रेन दो ताली, अगर इतनी ताली बजानी है तो मैं, मेरी मिसेस और मेरी बेटी तीनों घर बजा लेंगे कल जाके। आप दुखी मत हो, क्यों परेशान हो रहे हैं। आओ सर, रमाशंकर शर्मा जी हमारे बीच में, उनको प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करते हैं, बाकी सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मैं कोई प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करूंगा नहीं, क्योंकि प्यार बचानी है। बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर कर के सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था और बंबई में राधे माने खत्म कर दिया। ये यूं मानो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भौंरी पे समाप्त हो गया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भौंरी के तो प्यार में भी झूठन थी।
बहुत बढ़िया। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता? अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो, या दिल्ली का केजरीवाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। भीतर बैठे हैं, कह रहे थे कि अब हमारे यहां बिजली फ्री, पानी फ्री, आटा फ्री। बोले हमको, उनको ईडी ले गई, बोले तुम्हारे लिए भी अब जेल में आटा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। अशोक यादव जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, उनके लिए एक बार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया। वो सपा में है, मैं कोई ये सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस झमुआ अमुआ तेदेपा वेदेपा ज्यादा तपा कम तपा नो तपा मैं कोई टेंशन नहीं दूंगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे दलित महादलित निर्धन धनवान ये सब 78 साल में हमारी राजनीति ने पैदा किए। हमारी माँ मंगला ने तो एक इंसान पैदा किया जो या तो सुन रहा है या सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुमार मनोज जी संचालन कर रहे हैं, फोटो वोटो भी खींच रहे हैं, खर्चा तो पूरा ही करा है नगर पालिका ने, खर्चे में कोई कमी नहीं। हालांकि बोल दिया था सीएमओ साहब ने कि 50-50 फोटो लेना है, तो आप लगे हुए हो, पूछ लो एक बार उनसे अभी। हाँ, उनका कुछ बदलाव विचार तो अपने मन से नहीं करना चाहिए। लड़कों की ये हालत इंटरनेट ने कर दी, प्रेम नहीं बचा, प्रेम खत्म हो गया। देखिए घर में प्रेम नहीं है। अभी आप देखो, आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लू, तो दादी क्या कहती थी? नहीं, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। जैसे कपड़े हम पहनते वैसे आप पहनो, जैसे आपकी मम्मी पहनती वैसे कपड़े आप पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। गलती से आज की पोती दादी से पूछ ले कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो आज की दादी क्या कहती है? पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। रेन दो ताली, हम 1 बजे बाद सब फ्री रहेंगे, तुम्हारा रोज मारेंगे बजाएंगे होटल में, आप क्यों दुखी हो रहे हो? ताली की कोई बात भी नहीं हुई थी। प्यार प्यार देखिए, आप देखिए देखिए दादा, हमारे कहा विष्णु भैया, विष्णु पुरोहित जी बैठे पीछे, वो गवाह है। आप देखना जिनकी शादी को 1 साल 1.5 साल 1.5 साल 2 साल हुए, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम पाउडर लिपस्टिक मेहंदी महावर लॉकेट पॉकेट ब्रेसलेट। और जिनकी शादी को 50-52-53 साल हो गए, विष्णु दादा भले आपके बेडरूम में ही देखना, झंडू बाम विक्स कामबी प्लेम पीठ की दवा पेट की दवा कमर की दवा, खाली प्रेम की दवा नहीं मिलती। लड़कों की हालत इंटरनेट ने ये कर दी है। 4 पंक्तियां आप तक पढ़ता हूं, हालांकि लाहार के लड़के तो नहीं बिगड़े, पर भिंड और ग्वालियर के लड़के जो इंटरनेट की वजह से बिगड़े हैं, ये अपने को रुकना है ना, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, ये उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। छोरों की हालत आपने नहीं दिया होगा तो इसलिए आप नहीं बजा पाओगे ताली। नेताओं की कोई चर्चा इसीलिए नहीं करते अपन। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, हमारे हमेशा दुलेंडी पे ठेके बंद रहते थे, हमेशा से आज तक रहते, हमेशा से रहते हैं दुलेंडी पे ठेके बंद। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इस बार ठेके भी बंद थे और ठेकेदार भी बंद थे। नहीं आई, आपके पल्ले नहीं पड़ी, फोटो में ही लगे रहे। ये मतलब है, हमारे तो लड़के समझदार है। एक लड़के ने पूछा कि यार जिनके कार्यालय में शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के फोटो लगे, जो उनके अनुयायी है वो ईडी पकड़ के ले जा रही उनको। मैं हाँ, अरे बोले सजा होगी क्या? मैंने कहा होगी, कितनी होगी? मैंने कहा तू बता तेरे अंदाज से। बोले जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के अनुयायी हैं तो फिर फांसी से कम में थोड़ी मारेंगे। हाँ, तो आगे हम खुद ये परेशान है, 15-16 दिन हो गए प्रोग्राम में, कल भी एक प्रोग्राम है, प्रेम नहीं बचा, इसलिए अपन प्यार की कोई कविता नहीं पढ़ते।
परसों घर जाएंगे रात को 1:30 बजे घंटी बजाएंगे, पहले तो मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। अब 17 दिन बाद पापा कहाँ जाता, घर ही जाता है नहीं, पर कहीं से प्रेम दिख रहा। अच्छा फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? वहां मंगला देवी के भंडारा रखा था नगर पालिका ने, तो 3 बाटी उठा लाया, एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, अब मत बना, तू एक गिलास पानी ले आ। क्यों पियोगे क्या? पानी कोई पीने की चीज है पागल? गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा है, ये हालत है। अच्छा उसके बाद फिर, हाँ तो रोटी खाओगे? हाँ। क्या बनो? मैंने कहा पहले तो एक कप कड़क चाय बना। और चाय से याद आया, सुबह लड़की बोल रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पी, आज 17 दिन हो गए। हाँ तो रोटी खाओगे? हाँ। क्या बनाऊं? तो दाल बाटी चूरमा बना लो, जयपुर थे 4 दिन से तो वही आदत पड़ी है। नहीं रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे। मैंने पचाना मेरे को, तू तो बना तो ले। नहीं नहीं दाल बाटी नहीं और कुछ बोलो। तो मैंने कहा देवी रेल में चीले मुंगोड़े पकौड़े भजिए कुछ भी बना ले, तेल का मत खाया करो। तो आलू बड़े बना ले, आलू बादी करते हैं। तो दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा। मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, तबीयत तो ठीक है, सर्दी खांसी तो नहीं, कहां बैठे थे? एक काम कर तू खीर बना दे साबूदाने की। हाँ खीर जरूर बनेगी, पर याद रखना दूध कम है फिर चाय नहीं मिलेगी। अरे मैंने कहा एक काम कर, मेरे को बनाना नहीं आता पर मैं कुमार मनोज को साथ लाया हूँ, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा के आया हूँ। मैंने कहा पहले मिसेस का मूड देख लूँ फिर घर में लाऊं। तू 4 कटोरी आटा दे दे, वो 2 ही की बना लेगा तो हम खा लेंगे। अच्छा ये नहीं चलेगा? अरे तो फिर अब क्या बनाएगी? जो बोल, दाल रोटी चावल सब्जी बना ले। नहीं वो तो रूटीन में रोज बनते 10:30-10 बजे, तो अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो वो बना दूं, मेरा क्या करना, ये स्थितियां है। तब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़े ढंग से ताली वाली बजा दिया करो। हाँ वो कहा था ना कि भगवान क्या जाते हैं तो वहां तारीख नहीं मिलती, आपने कहा था रविंद्र रवि ने, वहां तारीख नहीं मिलती सिर्फ फैसले होते हैं। हम सब भी आज बैठे हैं यहाँ पर, ये शरीर में प्राण है और ये केवल एक परिंदा है। कम से कम इस बात पर ताली बजाओ कि 1.5 साल की कोरोना की लहर के बाद ये भगवान की ही मां मंगला की कृपा है कि आप सुनने के लिए जिंदा है, हम सुनाने के लिए जिंदा है। बहुत अच्छा श्रोता है, वाह। वरना 1.5-2 बरस तक कोरोना रूपी जहरीली बीमारी की बदलियां कुछ इस कदर बरसती रही कि जो कविता सिर्फ भीड़ के लिए बनी थी ना, वो कविता भीड़ में जाने के लिए तरसती रही।